नमस्ते, मेरा नाम है अमर। स्वागत है आपका अमर का ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ सीपी में, सीपी बोले तो कनॉट प्लेस दिल्ली में। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि पहले देश में लॉकडाउन लागू था, एंड लॉकडाउन के बाद फिर से गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से फिर से अनलॉक शुरू हुई, और ये 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 लागू हुई है, और आज है 7 अक्टूबर 2020। एंड अनलॉक 5 में काफ़ी कुछ चीज़ें खोल दी गई हैं, जैसे कि आप कनॉट प्लेस मार्केट भी अब खुल चुकी है। ये सब आप देख सकते हो, कनॉट प्लेस है, ये काफ़ी दुकानें हैं, मॉल है यहाँ पे। हालांकि कनॉट प्लेस कई सारे मॉल, दुकानें और ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो इस सब के बारे में काफ़ी फेमस है, लेकिन अगर आज से 1 साल पहले अगर आपसे कोई पूछता कि कनॉट प्लेस इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब आता कि यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक की वजह से काफ़ी कनॉट प्लेस फेमस है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब टिकटॉक हो चुका है बैन। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। आप देख सकते हो तो क्राउड उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में आफ्टर लॉकडाउन एंड आफ्टर टिकटॉक बैन क्या कुछ असर पड़ा है कनॉट प्लेस पे, वही इसके आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो एक सीपी ये है और एक सीपी है इधर हमारे पीछे, ये सेंट्रल पार्क है, ये सेंट्रल पार्क। तो अभी यहाँ भी जाएंगे और देखेंगे अब ज़्यादातर क्राउड है कि नहीं है, कि अस्तित्व में थी जब टिकटॉक तो काफ़ी सारे टिकटॉक और वीडियो बनाते थे, लेकिन अब नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ अब पार्क खाली है, कोई है भी या नहीं है। एंड ये है सेंट्रल पार्क, लेकिन अफसोस अभी बंद है। मैंने गार्ड से पूछा तो गार्ड कह रहा है कि 4 बजे के बाद ये पार्क अब खुलेगी। और ये है टिकटॉकर का हॉट स्पॉट, लेकिन अभी फिलहाल अभी यहाँ पे कोई नहीं। ये अमेजिंग व्यू देख रहे हैं आप, इसीलिए तो इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। तो कनॉट प्लेस का व्यू अभी आपने देख लिया और सेंट्रल पार्क अभी बंद है। तो अब चलेंगे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। एंड में फाइनली गुरुद्वारा बंगला साहिब आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आई होप, देखते हैं। अब चलते हैं अंदर। तो आपने अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा और अपना जूता चप्पल अब जो भी पहन के आते हैं यहाँ पे आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का टोकन मिलेगा, वही टोकन आप देके फिर वो सामान आप वापस ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और अपना पैर धोएंगे बढ़िया से, और पैर धोने के बाद आगे की ओर चलेंगे। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बॉडी सैनिटाइज की मशीन लगी है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। उसके बाद आप आगे की ओर चलेंगे। तो अब मैं आ चुका हूँ अंदर, अब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, और फ़ोन बंद करता हूँ। और आप जैसा कि आप हल्का हल्का सुन सकते हैं कि
भजन हो रहा है अभी, और ये भजन जो है 24 घंटे चलती रहती है। तो आप अगर आप ये भजन लाइव सुनना चाहते हैं तो बंगला साहिब यूट्यूब चैनल भी इनका चैनल है, तो आप वहाँ से ये भजन लाइव सुन सकते हैं। और अब मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, और यहाँ पे आके दर्शन करके ध्यान करके काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी जब भी कभी दिल्ली आए तो एक बार बंगला साहिब ज़रूर आए। तो आज के वीडियो में पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।